हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, केक खाना किसे पसंद नहीं है, आप सभी को भी केक खाना बहुत ही पसंद होगा। सो गाइस, मैं आज आपके लिए चॉकलेट स्लाइस केक बनाने वाली हूँ, जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट स्लाइस केक बनाने के लिए एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच चोको चिप्स, आधा कटोरी कोको पाउडर, एक कटोरी दूध, आधा कटोरी चीनी का पाउडर, चार चम्मच रिफाइंड ऑयल और एक कटोरी मैदा लिया है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, फिर इसके ऊपर एक छन्नी लगाएंगे, फिर इसमें एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी चीनी का पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक पिंच बेकिंग सोडा और आधा कटोरी कोको पाउडर डालकर सबको अच्छे से छान लेंगे। तो लीजिए, हमारा चॉकलेट केक के लिए इंस्टेंट मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। फिर एक सिंपल बड़ी कढ़ाई लेंगे, फिर गैस को ऑन करके फ्लेम को मीडियम कर देंगे, फिर इसमें एक स्टैंड रखेंगे और ढककर इसे 6 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, तब तक हम ग्लास को ग्रीस कर लेते हैं। हम इस तरह के छोटे साइज का ग्लास लेंगे, फिर ऑयल से ग्लास को अंदर से इस तरह से पूरा ग्रीस करेंगे। ग्लास ग्रीस हो गया है, तो अब तैयार करते हैं स्पॉन्जी सॉफ्ट चॉकलेट केक का बैटर। मिक्सचर में 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 कटोरी दूध डालेंगे। हमने सिंपल उबला हुआ दूध लिया है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है, ना गर्म ना ठंडा। फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक विस्कर से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर है बिल्कुल तैयार। फ्लेवर के लिए 1 चम्मच वेनिला एसेंस डालकर मिक्स करेंगे। फिर 1 चम्मच चोको चिप्स डालकर इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। फिर बैटर को ग्रीस किए हुए ग्लास में डालेंगे। ग्लास को हमें पूरा नहीं बनना है, क्योंकि बेक होने पर यह फूलता है। इस तरह बाकी बचे ग्लास में भी हमें बैटर को आधा भर लेना है। हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो स्टैंड पर सावधानी से एक प्लेट रखेंगे, फिर इस पर सावधानी से सारे ग्लासेस रखेंगे। फिर एक बड़ा सा बर्तन लिया है, जो कढ़ाई पर बिल्कुल फिट आ रहा है और साइड से स्टीम भी बाहर नहीं आ रही है, तो इसको ढक देती हूँ लो फ्लेम पर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट हो गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ग्लास केक तैयार हुई है कि नहीं, तो सिंपल इसके लिए एक टूथपिक लेंगे और इस तरह डालकर देखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन हमारी टूथपिक निकली है। तो इस तरह बनने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी स्लाइस केक ठंडी हो गई है। फिर एक नाइफ लेंगे और ग्लास के चारों तरफ नाइफ को घुमा करके केक को डिमोल्ड करेंगे, फिर बैक साइड से टैप करेंगे। सुपर्ब, आप जाली देख सकते हैं। मैंने सारे केक को ग्लास से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अब केक को स्लाइसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारी चॉकलेट स्लाइस केक है बिल्कुल तैयार, वो भी ग्लास में। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और फैमिली के साथ इंजॉय करें, ये सबको बहुत पसंद आएगा।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।